हेलो, दिस इज़ डॉक्टर कृष्ण। आई एम कंसल्टेंट ENT हेड एंड नेक सर्जन बेस्ड इन दिल्ली। आई एम को कन्वेनर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। हमारे पेशेंट्स का बहुत डिमांड था कि रिगार्डिंग डाइट समथिंग बनाना था। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इट, आई एम नॉट अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, बट आई विल ट्राई टू से सम मोर थिंग्स ऑन दैट। अभी कोविड के काफ़ी ये है कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे एंड ऑल, स्पेशली चाइना का काफ़ी सीरियस सिचुएशन देख के। सो इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बना ही दिया है कि क्यों कोविड का डाइट का क्या रोल है कोविड में। बस हम कुछ कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे, स्पेशली शेड्यूल के हिसाब से, मतलब कि जो हमारा मील होता है कोविड टाइम में। हमारा एक तो जब भी कोई फीवर या कोई भी UTI होता है तो पेन इन थ्रोट होता है, फीवर होता है, तो हमारा हमेशा मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। लेकिन अगर आपको जल्दी रिकवरी चाहिए तो आपको एपेटाइट इम्पॉर्टेंट है। और कोविड में जल्दी रिकवरी क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आइसोलेशन और क्वारंटाइन का भी सिचुएशन रहता है कि आप आइसोलेट रहोगे अगर कोविड पॉजिटिव हो। उससे आपका जो एक होता है कि डिप्रेशन जैसी सिचुएशन रहती है जब आप अकेले रहते हो काफ़ी टाइम तक। दूसरी चीज़ कि आपका वर्क जो इकोनॉमिकली आपको लॉस होता है, आपका वर्क डेज लॉस होते हैं, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब क्या है कि कोविड में आपको नॉर्मल चीज़ें, स्पेशली जो सॉलिड चीज़ें खाने में बड़ी बेसिक, क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो मैंने डिस्कस कर लिया। विटामिन सी का वीडियो था, विटामिन सी के रिसोर्सेज कोविड टाइम में, विटामिन सी चाहे कोविड का पैंडेमिक हो, मतलब आप कोविड पॉजिटिव हो या फिर नहीं हो, बट विटामिन सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्यून बूस्टर। तो विटामिन सी पे हमने वीडियो बनाया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। विटामिन सी के क्या रिसोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज, और कभी भी आप कोई भी चीज़ का नेचुरल सोर्सेस ऑलवेज बेटर होता है। अंटिल अनलेस आप ले ही नहीं रहे हो ओरली, तो आपको फिर सप्लीमेंटल फॉर्म में विटामिन्स और मिनरल्स का नेचुरल सोर्सेस लेना चाहिए। दूसरी चीज़ की इसके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डे शुरू होना चाहिए कोकोनट वाटर से शुरू होना चाहिए। तो यू कैन ईजिली गेट नेचुरल सोर्स ऑफ कोकोनट वाटर। आप एटलीस्ट 1 कोकोनट वाटर ले सकते हैं, दैट हैज़ इलेक्ट्रोलाइट, दैट विल ऑल्सो बूस्ट इम्यूनिटी एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से वीकनेस कम होगी। इसके बाद जो हमारा रोटी सब्जी ये सब होता है, ये काफ़ी रोटी सब्जी सॉलिड है, सो वो हम खा नहीं पाते, तो उस समय हम खिचड़ी, जो मूंग दाल खिचड़ी या मिक्स दाल खिचड़ी यूज़ कर सकते हैं विद सम वेजिटेबल, हमारे जो फेवरेट वेजिटेबल्स होते हैं वो उसमें डाल के बना सकते हैं। और खिचड़ी इज ईजी टू डाइजेस्ट, और पतली खिचड़ी, पतली खिचड़ी उसके साथ साथ भरता या बैगन भरता या फिर सम वी कॉल इन नॉर्दर्न इंडिया चोखा, वो हम ले सकते हैं। चोखा में सम स्पाइसेस सॉल्ट डाल सकते हैं, तो उस समय लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल होता है, बट दिस विल हेल्प। इसके साथ साथ फ्रूट्स ले सकते हैं, स्पेशली ऑरेंज जूस विल बी वेरी हेल्पफुल। ऑरेंज जूस ले ले सकते हैं हम, और फ्रेश लीजिए, कभी प्रिजर्व मत लीजिए। और जो भी ऐसे कभी भी एक न्यूट्रिशन का एक बेसिक साइंस है कि आप जो लोकली अवेलेबल हो, चीपर हो, सीजनल हो, वो लें। ऐसा नहीं कि बहुत एक्जॉटिक लेने से कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लीमेंट्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इसके साथ साथ आपको सो खिचड़ी इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में जब भी कोई वेल नहीं होता, इल होता है, तो खिचड़ी तो उसको देते हैं, दैट इज़, तो यू कैन टेक इन दिस ऑल्सो। फ्राइड वगैरह चीज़ें अवॉइड करिए, सेमी सॉलिड लीजिए। कर्ड ले सकते हो आप, कर्ड इज़ अ गुड सोर्स। अगर आपको लग रहा है कि मतलब इफ़ यू आर सो सेंसिटिव टू कर्ड, आपको कर्ड होने लेने के बाद UTI हो जाता है, तो आप ना लें, बट यू कैन टेक। और एग्स वगैरह आर रिच सोर्स, यू कैन टेक इन इवनिंग। एग ले सकते हो, एटलीस्ट 1 or 2 egg ले लो, बॉयल्ड एग ले लो। उसके मिल्क ले सकते हैं डिनर में, हाफ अ ग्लास ऑफ मिल्क विद टर्मरिक। टर्मरिक में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, एक नैनो क्यूकर्मिन होता है, दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनो बूस्टर। और आपको पता है कोविड में, कोविड इन्फ्लेमेशन कॉज करता है हमारे बॉडी का, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी मैनिफेस्टेशंस। सो ये चीज़ है। और डाइट और न्यूट्रिशन से, हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होता है जो कोविड के स्प्रेड से बचाता है। तो सबसे पहले तो जब भी कोविड हो, चाहे आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, नहीं हो, आप नॉर्मल इंसान हो, वर्किंग पर्सन हो, घर से बाहर जाते हो, सो सैनिटाइज़र का यूज़ बढ़ा दो। जैसे सपोज करो ऑन एवरेज अगर आप नॉन कोविड टाइम में 24 आवर में एक बार सैनिटाइजर यूज़ करो, तो कोविड टाइम में एटलीस्ट 4 to 6 times एटलीस्ट यूज़ करना है। और स्टैंडर्ड टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग होता है, उस पर हम कभी वीडियो बनाएंगे, या आप यूट्यूब पे और वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ बीटाडीन गार्गल करो,
ये बीटाडीन गार्गल के बारे में एक चीज़ बोला जाता है, 0.1% ऑफ द बीटा गार्गल से ऊपर के जितने कंसंट्रेशन है दैट आर एंटी वायरसाइडल, मतलब कोविड वायरस को भी वो मारते हैं। सो वो आप यूज़ कर सकते हो, दिन में 2 बार बीटाडीन गार्गल करें। सो इससे क्या होगा, अगर आप में किसी कोविड सस्पेक्टेड कोविड पॉजिटिव कॉन्टैक्ट, जो मतलब कोविड पॉजिटिव नहीं है लेकिन अभी सिम्टम्स है या फिर एसिम्टोमेटिक है, वो उससे कॉन्टैक्ट हो गया है, आपका वायरस ओरल कैविटी में आ गया, तो बीटाडीन गार्गल विल प्रिवेंट द हार्बरिंग ऑफ दैट वायरस इन योर नेसोफेरेंजियल कैविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एक बीटाडीन गार्गल का अच्छा यूज़ है। सो 0.5% बीटाडीन गार्गल आते हैं, 2% आते हैं, आप दोनों ले सकते हैं। सो इसके साथ साथ एक दो और चीज़ है इम्पॉर्टेंट है आपको, कि विटामिन सी का नेचुरल सोर्सेज लीजिए। अगर नेचुरल सोर्सेज आप नहीं रेगुलर ले पा रहे हो तो सप्लीमेंट के फॉर्म में विटामिन सी टैबलेट्स आती हैं, लेकिन हमेशा नेचुरल सोर्सेज बेटर होती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि कभी भी ऐसे आता है कि एंटीवायरल पेंट, एंटीवायरल लिपस्टिक एंड ऑल, जो को सो एंटी कोविड एंड ऑल करके आते हैं, दीज आर टोटली फेक एंड फ्रॉड, वो नहीं लेना है। आप कुछ भी फूड में लो, आपको अपनी फूड एलर्जी, अगर किसी को कुछ फूड, आजकल स्पेशली मेट्रोज में फूड एलर्जी के इंसिडेंट बढ़ जाते हैं, आपको जो भी फूड एलर्जीज है, और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ मतलब अनएजुकेटेड इलिटरेट लोग ऐसी बातें करेंगे कि फूड एलर्जी चीज़ जैसी कुछ नहीं होती, हम रेगुलर देखते हैं, वी आर डीलिंग विद एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट, फूड एलर्जी का कितना रोल है उसमें हमें सब पता है। तो अगर कोई आपको बोलता है कि फूड एलर्जी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ही और शी इज़ नॉट वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। सो आप फूड एलर्जी को कंसिडर करके ही अपना, अगर आपको कुछ फूड एलर्जी है तो आपको उस खाने के बाद सिम्टम्स आ जाएंगे, अगर फिर भी नहीं तो इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम फूड एलर्जी बट आर नॉट श्योर, यू कैन गो फॉर एलर्जी टेस्ट, एक बार करके कंफर्म कर लो आपको उस फूड पार्टिकल से फूड एलर्जी है, तो उसको अवॉइड करें। कुछ लोग को बिटल नट से एलर्जी होता है, कुछ लोग को पर्टिकुलर स्पाइसेस से एलर्जी होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ से एलर्जी और उसको आप उससे बचे। दूसरी चीज़, स्पाइसेस का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे इंडियन कल्चर में, फूड में स्पाइसेस डाले जाते हैं, मेनली लोग स्पाइसेस को एज अ टेस्ट एनहांसिंग लेते हैं, बट स्पाइसेस का रोल इम्यूनो बूस्टर, इम्यूनो मॉड्यूलेशन में भी बहुत बड़ा रोल है। काफ़ी स्पेशली टर्मरिक एंड ऑल काफ़ी स्पाइसेस हैं हमारे जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो स्पाइसेस का, अगर आप उस समय स्पाइसी फूड नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट सैलाड्स के ऊपर कुछ पर्टिकुलर स्पाइसेस, ब्लैक पेपर पाउडर एंड ऑल जरूर डाल लें, इससे आपके एक इनडायरेक्टली इम्यून इम्यून बूस्टर होगा। और बाकी मिल्क में तो एटलीस्ट 2 to 3 ग्राम मीन्स पिंच ऑफ टर्मरिक डाल के लें, दैट विल बी हेल्पफुल। थॉ देर आर मेनी सप्लीमेंट्स ऑल्सो, कि नैनो क्यूकरमिन की टैबलेट्स आ गई हैं, बट आप बेटर है नेचुरल टर्मरिक ही लें। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, या और वैसे कोई जनरल डाउट्स हो कोविड रिलेटेड तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके उसकी आंसर पा सकते हैं। धन्यवाद।